अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं शहज़ैब अहमद, अहमद फार्मिंग में आज फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अंडों को आपने इनक्यूबेटर के अंदर किस तरीके से रखना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तकरीबन जी शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं इस टाइम अपने सारे बर्ड्स को एक दफ़ा फ्री छोड़ देता हूँ। तो उससे ये होता है कि बर्ड्स एक दफ़ा स्ट्रेस में से निकल जाते हैं। तो जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरी वो मुर्गियाँ जो अंडे नहीं दे रही थी, इस काम से उन्होंने माशाल्लाह अपने अंडे देने शुरू किए। और वो मुर्गियाँ जो अंडे डेली बेस के ऊपर नहीं दे रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी डेली बेस के ऊपर अंडे देने शुरू किए हैं। तो ये तो आपको मैंने दिखाया लाइट सुसेक्स और साथ में हीरा। ये माशाल्लाह मेरा सिल्की का पेयर है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, बेहतरीन तरीके से क्रॉसिंग कर रहा है। तो बहुत जल्द इसके भी अंडे आपको देखने को मिलेंगे। और लाइट सुसेक्स ने मेरे माशाल्लाह से एग लेइंग करनी स्टार्ट कर दी है, और ये हीरे के पेयर ने भी माशाल्लाह एग लेइंग स्टार्ट कर दी है। सो ये माशाल्लाह मेरे गोल्डन सबराइट के पेयर्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 2 दिन हो गए हैं दोबारा से एग लेइंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो जब मेरे पास ये आए थे, तो उनके अंदर से आते साथ ही गोल्डन सबराइट ने मेरे पास ब्रीड की थी, 2 से 3 इसने एग ले किए थे, लेकिन उसके बाद जगह चेंज होने की वजह से इन्होंने स्टॉप कर दिया था। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आते साथ ही क्रॉसिंग करनी स्टार्ट की, और उसके नतीजे के अंदर मुझे बहुत जल्द जो है इनके एग मिलना शुरू हो गए। लाइट सुसेक मैं जब लेके आया था, इन्होंने आते साथ एक एग ले किया था, लेकिन ये भी स्ट्रेस में आने की वजह से एग ले करने बंद कर दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे इन्होंने दोबारा एग लेइंग करने स्टार्ट कर दिए। तो माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी अंडे कलेक्ट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा इनके लिए इनक्यूबेटर लेके आऊँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनक्यूबेटर लेके आया हूँ, मैं आपके साथ इनक्यूबेटर भी शेयर करता हूँ। और आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो मेरे पास एग है, मैं इंशाल्लाह उसको इनक्यूबेटर के अंदर लगाऊंगा। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं मेरे पास एक अच्छी तादाद जो है अंडों की इकट्ठी हो चुकी है। इस साइड के ऊपर जो आपको ये एग नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेरे पास हीरे के हैं जो अभी तक मुझे उसने दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उनकी मेटिंग जारी है और वो आगे में इंशाल्लाह मुझे एग देगी। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये मेरे पास माशाल्लाह लाइट सुसेक्स ने आके एग दिए हैं। और ये जो 2 एग आपको नज़र आ रही हैं, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हो गए हैं मेरे गोल्डन सबराइट के पेयर्स ने एग ले करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो एग आया हीरे का, वो आया मेरे पास 12 तारीख को। मेरे पास 12 तारीख के बाद इसने 1 दिन का गैप डाला, और नेक्स्ट मेरे पास जो एग आया वो आया 14 तारीख को। उसके बाद 15 तारीख को, 16 तारीख को कंजेक्टिवली इसने 3 दिन जो है एग ले किया। 16 के बाद इसने फिर 1 दिन का गैप डाला, और मेरे पास 18 तारीख को, 19 तारीख को इसने कंजेक्टिवली 2 दिन फिर से एग दिए। 20 तारीख की इसने बीच में गैप डाला, और 21 तारीख को, 22 तारीख को और 23 तारीख को मुसलसल 3 दिन इसने एग दिए। और आज 24 तारीख है, लेकिन अभी तक इसने कोई एग ले नहीं किया। अगर बात करूँ मैं लाइट सुसेक की, तो लाइट सुसेक के मेरे पास पहला एग आए 20 तारीख को, जिसके अंदर आपको ये 2 एग नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने 3 एग दिए थे। तो एक एग जो है वो इनके अपने फुट के नीचे प्रेस होकर तो वो टूट गया था। और उसके बाद 22 तारीख को इन्होंने ये 3 एग आपको जो नज़र आ रहे हैं ये दिए। आज 24 तारीख है, तो फिर ये जो है इन्होंने मेरे पास ये 2 एग ले किए हैं अभी तक, और देखते हैं शाम तक मजीद कितने एग ये देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो गोल्डन सबराइट का पेयर था, उसने कल 23 तारीख को मेरे पास ये 1 एग ले किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 तारीख का उसने फिर 1 एग ले किया। तो कुल मिला के मेरे पास ये 18 अंडे हो चुके हैं। आज मैं इन अंडों को जो है अपने इनक्यूबेटर के अंदर लगाऊंगा, और साथ साथ आपके साथ रिजल्ट शेयर करता जाऊंगा। सो जी माशाल्लाह से ये मेरा इनक्यूबेटर है, तो 56 अंडों की कैपेसिटी है इसकी। ये फुली ऑटोमेटिक है, और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन गया, इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को जो है ना स्विच ऑन कर लिया। तो ये इसके अंदर आपको टेम्परेचर गेज नज़र आ रही है, जो ऑटोमेटिकली इसका जब टेम्परेचर कम होगा तो ये बल्ब को स्विच ऑन कर देगी। ये जो आपको गेज नज़र आ रही है साथ में कंट्रोलर, ये है एग रोटेशन का कंट्रोलर, और ये इसका फ्यूज़ है, और ये हमें इंडिकेशन देती है कि इसमें पावर इस टाइम आ रही है। ये अगर आप साइड पे देखें तो आपको एक छोटा मीटर नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये जो 64% आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ह्यूमिडिटी है, और ये 100% एक्यूरेट है। और ये जो आपको 37.6 टेम्परेचर नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है टेम्परेचर जो इस वक्त इस इनक्यूबेटर के अंदर का टेम्परेचर है। थोड़ी सी वेरिएशन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 38.9 है,
लेकिन जब आप यहाँ देखें तो यहाँ पर 37.7 है, तो कम से कम एक डिग्री का फर्क है ये, क्योंकि चाइना का मीटर है तो इतना एक्यूरेट नहीं होता, और ये आफ्टर मार्केट इसमें बाद में इंस्टॉल किया जाता है तो ये 100% आपको एक्यूरेसी देता है। तो आपने इसी मीटर के मुताबिक जो है ना वो अपने इनक्यूबेटर को सेट करना है। तो आपको मैं अंदर से खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह इसका अंदर से व्यू बहुत ही खूबसूरत है, और ये इसके अंदर मैंने बाउल रखा हुआ है ताकि इसकी वजह से जो है ना इसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल में रहे। और अगर आपको ऊपर से दिखाऊं तो वो एक फ़ैन आपको नज़र आ रहा है जो 24 घंटे चलता रहता है ताकि वो टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को इस पूरे कैबिन के अंदर जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता रहे। और ये दो आपको बल्ब नज़र आ रहे हैं, तो चलें अब मैं इनमें एक एक करके ये सारे एग जो है मैं प्लेस करता हूँ आपके सामने इसी वीडियो में। तो यहाँ पर जी अब मैं अपना तरतीब के हिसाब से जिस जिस डेट वाइज हैं इनके एग मैं उस हिसाब से रखूँगा, तो ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि सबसे पहले इस दिन के जो अंडे में से बच्चा निकलना है। तो ये मेरे पास आ गया जी 12 तारीख का अंडा। और एक चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखनी है कि जब भी आपने अंडे को रखना है तो अंडे की आपको दो शेप्स नज़र आएंगी। अगर आप देखें तो एक आपको ये पतला जो ऊपर को चोंच नज़र आ रही है ये चीज़ शेप नज़र आएगी, और दूसरा ये अगर आप इस तरीके से देखें तो आपको राउंड शेप नज़र आएगी। तो हमेशा जब भी आपने अपने अंडे को रखना है तो आपने अपने अंडे को इसी शेप में रखना है कि आपकी जो बारीक चीज़ है वो नीचे आए और जो राउंड फेस है ये ऊपर आए। इससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो अच्छा और हेल्दी पैदा होता है। अगर आप इसको इस तरीके से रखेंगे तो अगर आपने अंडे को खोल के कभी चेक किया हो तो ये जो राउंड सरफेस आपको नज़र आ रही है ये वाली, यहाँ ऊपर खला होता है, तो इस वजह से बच्चे को निकलने भी मुश्किल होती है और दूसरे से उसकी ग्रोथ भी ठीक से नहीं होती। तो जब भी आपने इनक्यूबेटर के अंदर अंडे को रखना है तो आपने इसी तरतीब के साथ इस शेप के साथ इसको रखना है। तो ये मेरे पास अगला अंडा आ गया 14 तारीख का। नेक्स्ट मेरे पास आ गया ये 15 तारीख का। अंडे तो माशाल्लाह से जी प्लेस कर दिए मैंने, और अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो ये आप देखें अगर तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों हमारे पास डाउन हो गई है, क्योंकि काफ़ी देर से हमने इसको ओपन किया हुआ था। ह्यूमिडिटी मेरे पास आ गई है 56% और टेम्परेचर मेरा चला गया 34.4 पे। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने इनक्यूबेटर के अंदर एग लगाने हैं तो इसको कम से कम 2 घंटे पहले आपने चलाना है, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ है, कोई भी इसमें फॉल्ट हो सकता है। आपने इसको 2 घंटे चला के रखना है ताकि आपको ये पता लग सके कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। ये ना हो कि आप एग रखें और बाद में उसका टेम्परेचर कंट्रोल ना हो, या टेम्परेचर ज़्यादा चला जाए या कम चला जाए और आपकी इतनी मेहनत वो सारी ज़ाया जाए और आपके जो अंडे हैं वो ख़राब हो जाएँ। सेकेंडली आपने इससे ये भी आपको पता लगता है कि आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो अंडर कंट्रोल है कि नहीं है। 55 से 56% आपकी जो ह्यूमिडिटी की परसेंटेज है वो पहले जो आपके पास 18 दिन है उनके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद जब आप 19वें 20वें और 21वें दिन पे जाएंगे तो तब आपकी जो है ये 70+ में जो है परसेंटेज आपकी ह्यूमिडिटी की जाने चाहिए। तो इस सारे अमल के दौरान आपका टेम्परेचर जो है वो 37.7 फिक्स होना चाहिए। आधा डिग्री ऊपर चला जाए आधा डिग्री डाउन आ जाए उससे को ऐसा सच खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाने से आपके अंडे जो हैं उनके ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।